छठ के मौके पर व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू कर सूर्य को नमन किया और आज छठ मैया से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस समय लोक आस्था के पर्व छठ की धूम है। छठ पर्व के अवसर पर लालकुआ के एक दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। रेलवे कॉलोनी, 25 एकड़ कॉलोनी, वार्ड नंबर 1, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी, न्यू कॉलोनी, वर्मा कॉलोनी सहित करीब एक दर्जन छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्योहार मनाया। छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। नहाए खाए से शुरू हुए महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद खाकर व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू किया और छठ मैया से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सुबह जलकुंड में खड़े होकर सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त किया। इस दौरान छठ पूजा समिति द्वारा पूजन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया और हमारे मामाएं पहले का निर्जला व्रत रह के सूरज की उपासना करती हैं, फिर सूरज को प्रणाम करती। आज फिर सूरज को कल प्रणाम किया, आज सुबह सूरज को अर्घ दे रही हैं। सभी माताएं बहनों की मनोकामना पूर्ण करें भगवान। माता जी से कहना है कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण, छठ मैया की तरफ से सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। छठ 3 दिन का त्यौहार होता है, ये परंपरा चली आ रही है। ये जब राम जी रावण अयोध्या आए थे रावण जी का वध करके, तो एक ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, इस वजह से सीता माता ने छठ पूजा की थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। 3 दिन का व्रत होता है इसमें, 36 घंटे का। पहले दिन निर्जल व्रत होता है, शाम को गुड़ नए चावल का खीर बना के खाते हैं। दूसरे दिन निर्जल रह के शाम को अर्घ देते हैं डूबते सूरज को, और सुबह फिर उठते सूरज को अर्घ दे के समाप्ति करते हैं, फिर उसके बाद पालन करते हैं छठ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।